हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया ये एक वायरल डिजीज है जो कि मॉस्किटोज के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ये वायरस कॉज करता है फीवर, सीवियर जॉइंट पेन और रैशेस। इस डिजीज को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था टांजानिया में इन 1952। तब से इस डिजीज का स्प्रेड लगातार होता आया है पूरे वर्ल्ड में। तो इस डिजीज के कॉजेशन के बारे में देख लें कि गॉस होती है चिकनगुनिया वायरस की वजह से। ये एक मेंबर है टोगावेरिडी फैमिली का। ये वायरस प्राइमरी ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो के बाइट की वजह से। मतलब इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर काट लेता है तो इस डिजीज का स्प्रेड हो जाता है। अब इसके मैनिफेस्टेशन के बारे में देख लें तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि देखने को मिलते हैं चिकनगुनिया में वो है फीवर, जॉइंट्स में सीवियर पेन होना, रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं। कुछ और सिम्टम्स भी मिल सकते हैं सबके साथ में, जैसे कि हेडेक, मसल्स में पेन, जॉइंट्स में स्वेलिंग और फैटीग। मोस्ट पीपल फुल्ली रिकवर कर जाते हैं इस डिजीज से, लेकिन कुछ लोगों में जो जॉइंट में पेन है वो परसिस्ट कर सकता है कुछ मंथ्स तक, यहाँ तक कुछ लोगों में कुछ ईयर्स तक भी ये परसिस्ट कर सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो चिकनगुनिया ये डायग्नोस हो सकता है ब्लड टेस्ट के थ्रू, जो कि डिटेक्ट करता है वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को। ये जो टेस्ट है ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जब इसको परफॉर्म किया जाता है फर्स्ट वीक के अंदर इलनेस के, मतलब इन्फेक्शन हुआ और पहले ही वीक में इसको डायग्नोस कर लिया गया। कुछ और टेस्ट भी यूज किए जा सकते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि वायरल कल्चर या फिर PCR टेक्निक भी यूज किया जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लें तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया का। ट्रीटमेंट जो है ये मेनली फोकस्ड होता है सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए, जैसे कि फीवर हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, या फिर जो पेन रिलीवर्स है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं इनका यूज करके इन सिम्टम्स में कमी लाई जाती है। रेस्ट करने को बोला जाता है पेशेंट को और फ्लूइड इनटेक को बढ़ा दिया जाता है ताकि मेडिसिन अच्छे से वर्क करें और बॉडी अपने आप ही हील कर सके। तो इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे इफेक्टिव मेथड जो है प्रिवेंशन के लिए वो है चिकनगुनिया के अगेंस्ट में जो मॉस्किटो बाइट्स हैं उनको रोका जाए, क्योंकि जो मॉस्किटोज हैं वही स्प्रेड करते हैं इस डिजीज को। तो अगर पर्सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स को पहन रहा है या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज कर रहे हैं और स्क्रीनड और एयर कंडीशनड एरियाज में रह रहे हैं, तब फिर मॉस्किटो से एक्सपोजर को रोक सकते हैं और इस डिजीज से प्रिवेंशन किया जा सकता है। मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स भी यूज किए जा सकते हैं कुछ और, जैसे कि एलिमिनेट कर सकते हैं कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है तो पानी के सोर्सेस को हमें रिमूव करना है ताकि वो इकट्ठे पानी में जो मॉस्किटो है वो ब्रीड ना करने पाए। इंसेक्टिसाइड्स को यूज किया सकते हैं और ये भी इफेक्टिव मेथड होता है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे लास्ट में हम लोग अब देख लेते हैं कि चिकनगुनिया का कितना इम्पैक्ट बढ़ता है ग्लोबली हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो चिकनगुनिया ये एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। इसके आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुए हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी। ये डिजीज ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कॉज करता है इंडिविजुअल के ऊपर, साथ ही में ये इफेक्ट करता है कम्युनिटीज को और अल्टीमेटली इकोनॉमी भी इफेक्टेड हो सकती है। तो अगर इफेक्टिव प्रिवेंशन मेजर्स लिए जा रहे हैं या फिर कंट्रोल के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं इस डिजीज के, तब फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं चिकनगुनिया के बर्डन को। तो आज हम लोगों ने देखा चिकनगुनिया के बारे में, जो कि एक वायरल डिजीज है और ट्रांसमिट होती है मॉस्किटो बाइट्स की वजह से। कॉमन सिम्टम्स इसमें मिलते हैं फीवर, सीवियर जॉइंट पेन और रैशेस। डायग्नोसिस ये बेस्ड होती है मोस्टली ब्लड टेस्ट के ऊपर और ट्रीटमेंट इसको फोकस किया जाता है सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए। प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स के थ्रू जो मॉस्किटो बाइट्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और जो स्टैंडिंग वाटर सोर्सेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना होने पाए, डिजीज स्प्रेड ना होने पाए। और ये जरूरी होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से चिकनगुनिया के बर्डन को रिड्यूस करें ताकि जो सोसाइटी है वो हेल्दी रह सके। तो ये था एक शॉर्ट सा वीडियो चिकनगुनिया के बारे में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट्स मिस ना होने पाए इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।